आरक्षण का डॉक्टर भारत के अंदर। वैसे तो हम कोई प्रतिक्रिया देते नहीं हैं, क्योंकि प्रतिक्रिया देने से हमारा काम रुक जाता है, और प्रतिक्रिया जिसको हम देते हैं उसका काम बढ़ जाता है। क्योंकि कोई आदमी अगर कोई गलत पोस्ट करता है, गलत बात करता है, तो वो इसलिए करता है कि लोग उस पर दनादन प्रतिक्रिया दें, उसमें उलझ जाएं और मेन बात हट जाए और अपने काम से ध्यान हट जाए। हमारे पास अपना ही इतना पॉजिटिव काम है कि हमें प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर मुझे एक डॉक्टर का फ़ोन आया जो बहुत क्रांतिकारी डॉक्टर हैं, बड़े सज्जन हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, वो डॉक्टर बने हैं। डॉक्टर के हिसाब से वो जितने भी गरीब लोग हैं बहुत कम पैसा लेकर उनकी सेवा करते हैं। उनको बड़ा दुख हुआ, एक पोस्ट से उन्होंने मुझे भेजी है। वो कहते हैं कि WHO ने कहा है कि भारत के शायद 60% के करीब जो डॉक्टर हैं वो नाकाबिल हैं, निकम्मे हैं, और इसको प्रचारित किया जा रहा है। पता नहीं ये बात ठीक है या खराब है, मगर जो प्रचार हो रहा है वो ठीक नहीं है। आप इस पर एक छोटी सी 2 मिनट की वीडियो बना दें। मेरे मित्र हैं, मैं मना नहीं कर पाया। देखिए, 60% अगर भारत के डॉक्टर नाकाबिल हैं और इसका प्रचार चल रहा है और उसको ये कहा गया है कि आरक्षण के कारण 60% डॉक्टर निकम्मे हैं, तो भारत में कभी 60% रिजर्वेशन के डॉक्टर रहे ही नहीं। बहुत ज़्यादा 10 या 12% रहे हैं, और अभी OBC अगर आए हैं तो OBCओं को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, वो तो बेचारे अभी थोड़े से डॉक्टर ही बने, उनके तो रास्ते बंद हो गए पहले से ही। मगर बात इसकी नहीं है कि डॉक्टर OBC का है या SC का है या ST का, या इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि 60% डॉक्टरों में भारत के आधे से अधिक डॉक्टर आते हैं, और ये बात भारत के डॉक्टरों के लिए कही गई है। तो यहाँ की जो पढ़ाई व्यवस्था है, जो यहाँ का शिक्षा का तंत्र है, जो टीचर पढ़ाने वाले हैं वो ठीक नहीं है, जो सिस्टम है पढ़ाने का वो ठीक नहीं है, वो WHO के स्टैंडर्ड पे खरा नहीं उतरता। जो यहाँ के टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं वो नाकाबिल हैं, वो सही से नहीं पढ़ा पा रहे। ऐसा नहीं हो सकता, कोई क्लास में इक्का दुक्का तिक्का तो कोई स्टूडेंट ऐसा हो सकता है जो किसी के मुकाबले कमज़ोर हो, क्योंकि सारे ही जो स्टूडेंट हैं वो एक एग्जाम को बीट करके कम्पीट करके जाते हैं, और उस एग्जाम में रिजर्वेशन होता है जिसमें आरक्षण के तहत भी स्टूडेंट जाते हैं। तो आरक्षण के स्टूडेंट जाने का मतलब ये नहीं है कि वो एग्जाम में भी उनको आरक्षण मिलेगा, यानी सीट का रिजर्वेशन है, सीट उनको मिल गई क्योंकि उनका राइट है, देश उनका भी है, सबका देश है, तो सबको बराबर मिलना चाहिए। मगर जो पास होने का क्राइटेरिया है और पढ़ाने का क्राइटेरिया है, वो दोनों क्राइटेरिया उनके हाथ में नहीं है। पढ़ाने वाला क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, ये वो नहीं जानते, क्योंकि वो पहले से पढ़े लिखे हैं नहीं। पढ़ाने के स्टैंडर्ड को अगर वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से या उनके टीचर से कंपैरिजन करेंगे तो उनको पता चलेगा कि उनके टीचर कितने लायक हैं, कितने नालायक हैं। दरअसल भारत के जो लायक टीचर होते हैं वो तो एब्रॉड चले जाते हैं, दूसरे देशों में चले जाते हैं, उनको वहाँ पैसा, खाना पानी, फैसिलिटी अच्छा मिलता है और उनको वहाँ सम्मान भी मिलता है। भारत में अधिकतर टीचर रुकना पसंद नहीं करते, इसलिए भारत के संसाधनों को इस्तेमाल करते हैं। भारत के जितनी संसाधन हैं, जितनी ज़मीन है, पानी है, पैसा है, नौकर चाकर है, घर बार है, कॉलेज है, जितना भी संसाधन है उसको वो प्लेटफॉर्म बनाते हैं और अपने आप को लॉन्च करके सीधे उड़ जाते हैं। विदेशों के डॉक्टरों की जाके वहाँ हॉस्पिटलों की चपचहरी करते हैं, उनका एक ब्रिज कोर्स पहले पास करते हैं, पहले उनके लायक बनने के लिए वहाँ मेहनत करके एक टेस्ट देते हैं। जब वो टेस्ट में पास हो जाते हैं तब वो डॉक्टर कहते हैं कि हम तुम्हें अब पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। वहाँ भी वो जूनियर डॉक्टर ही रहते हैं, डॉक्टरों के असिस्टेंट रहते हैं। कोई इक्का दुक्का डॉक्टर ऐसा होगा जो वहाँ सीनियर डॉक्टर बन जाता होगा। हिस्ट्री उठा लीजिए, बहुत सारे डॉक्टर हैं जो बताते हैं कि वहाँ भी डॉक्टरों को एक तरह से जैसे यहाँ जो नीचे के लोगों की हालत है वैसे वहाँ यहाँ से जो गए डॉक्टर हैं उनकी हालत रहती है, तो वहाँ भी कोई ज़्यादा सुख आराम है नहीं। तो टीचर ने जो पढ़ाया है 60%, यानी कि वो टीचर काबिल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि हर एक स्टूडेंट को 50% या 30% या 40% मिनिमम मार्क लाने पड़ेंगे। तो जितने स्टूडेंट हैं उनके क्राइटेरिया में सब फिट होते हैं तब जाके उनको डिग्री मिलती है, तब वो पास होते हैं। यानी कि वो जो टीचर हैं वो खुद सर्टिफिकेट देते हैं कि अब आप काबिल डॉक्टर हैं, अब आपको यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस करने की आपको परमिशन मिलती है, ये आपको डिग्री मिल गई है। और जितना भी क्राइटेरिया है वो हर एक स्टूडेंट पूरा करता है, चाहे वो जनरल का है, चाहे ST का है, चाहे OBC का है, चाहे हैंडीकैप्ट है, और यहाँ तक कि अगर कोई पैसे के दम पर भी डॉक्टर बनता है, क्योंकि अब तो पैसे के दम पर डॉक्टर बनने लगे हैं। पैसे के दम का मतलब यह है कि आपका मेरिट में नाम आए ना आए,
चाहे आप एससी हैं या ओबीसी हैं या जनरल हैं या कुछ भी हैं, तो कॉलेजों ने एक पॉलिसी बनाई हुई है, वो कुछ सीटें रोक के रखते हैं जानबूझ के, बड़ी तिकड़मबाजी है, और उसमें जो बिल्कुल फेल भी हो गए या नहीं भी जानते हैं उन स्टूडेंट्स को भी वो ले लेते हैं और वहाँ उनका एडमिशन करा लेते हैं। मगर उन स्टूडेंट्स को भी एग्जाम पास करना ही पड़ेगा, बेशक चाहे वो पैसे से आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि भारत का जो पासिंग सिस्टम है, वो पासिंग सिस्टम जो टीचर्स हैं उन्होंने बनाया हुआ है, जो बहुत ज़्यादा लर्नेड और जानकार लोग हैं उन्होंने बनाया हुआ है। तो फेलियर अगर कहीं है तो उस सिस्टम को बनाने वाले और चलाने वालों का है। स्टूडेंट्स को तो जैसे आप कहेंगे वैसे वो करता है, जितना क्राइटेरिया वो देते हैं उतना क्राइटेरिया में वो आता है, ये तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि अगर एससी एसटी का, ओबीसी का या कोई हैंडीकैप्ड का या पैसे दे के अगर आया है और अगर वो आपको लगता है कि वो नालायक डॉक्टर है, वो कुछ जानता नहीं है, तो आप उससे पूछ लें कि आप एससी के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी हैं या पैसा दे के आए हैं, आप मत कराइए अपना इलाज उससे। आप अपना इलाज उससे करा लीजिए जो आपको लगता है कि टॉपर रहा है, बहुत बढ़िया डॉक्टर रहा है, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन है, इसमें तो छूट है, क्योंकि मरीज का कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। डॉक्टर का रिजर्वेशन है पढ़ने का, मगर मरीज तो फ्री है, सारे मरीज को जहाँ जाना है जितने मरीज हैं जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा नहीं है कि 15% मरीज शेड्यूल कास्ट के पास जाएंगे, 10% मरीज शेड्यूल ट्राइब के पास जाएंगे, 50% 52% मरीज ओबीसी के पास जाएंगे, सिर्फ सारे मरीजों में से 10% मरीज ही जनरल वाले के पास जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कोई अगर किसी अलग रीजन में है तो वो अपने ही रीजन के डॉक्टर के पास जाएगा। तो मरीजों के लिए तो फ्री हैंड है, छूट है, वो कहीं इलाज कराओ, चैरिटेबल कराओ, फ्री में कराओ, वैद्य से कराओ, हकीम से कराओ, एलोपैथी कराओ, होम्योपैथी कराओ, आयुर्वेदिक कराओ, या योगा करो, या विपसना करो, या साधना करो, इलाज कराओ या ना कराओ, सरकारी में कराओ, गैर सरकारी में कराओ, छूट है। तो इसमें किसी आदमी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और डॉक्टरों को भी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर सारे के सारे भारत के एग्जाम पास करके आए हुए हैं और सारे के सारे आपने उनको सर्टिफिकेट दिया है कि ये सब काबिल हैं। अब WHO अगर ये कहता है कि 50% नाकाबिल हैं या 60% नाकाबिल हैं, तो ये तो एक पॉलिसी मैटर हो गया, सारे जितने भी पॉलिसी बनाने वाले हैं, जितने भी टीचर हैं, उनके लिए हो गया, स्टूडेंट्स के लिए और डॉक्टरों के लिए ये बात फिट नहीं बैठती, ना ही ये उनके लिए कहा है। कोई आदमी इसमें कुछ ऐसा वैमनस या ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा पैदा करे पोस्ट करके, तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए, उसको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि कैसे ही मनमुटाव हो, झगड़ा हो जाए, दिमाग में ये बात जाए कि आरक्षण के जो लोग हैं वो ठीक नहीं है। आरक्षण के लोग भी भारत के लोग हैं, और जो आरक्षण के लोगों में झगड़ा पैदा कर रहा है वो भी भारत का है। फर्क इतना है कि आरक्षण वाले लोग जो भारतीय हैं वो अपना काम कर रहे हैं, और जो झगड़ा पैदा कर रहा है आपस के लोगों में, भारत के लोगों में, वो देशद्रोह का काम कर रहा है, वो देशद्रोही है जो इस तरह के झगड़ा कर रहा है। अगर आरक्षण के लोग नाकाबिल हैं, आपको लगता है कि ये कम नंबर से पास हो गया या ज़्यादा से आए, तो आपको क्राइटेरिया बढ़ा देना चाहिए। आपको लगता है कि सीटों की मारामारी है, तो आपको इतने कॉलेज खोल देने चाहिए कि जिसको जहाँ पढ़ना है वो पढ़े। आपको लगता है कि यहाँ पढ़ लिख के ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो पूरी दुनिया में जाना चाहिए, जैसे क्यूबा के जो डॉक्टर हैं वो इतने हैं कि वो पूरी दुनिया में जाके अपनी सर्विस देते हैं और पैसा कमाते हैं, नाम कमाते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ हजारों कॉलेज मेडिकल के खुलेंगे तो यहाँ के जितने भी डॉक्टर होंगे वो और देशों में जाके नाम कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, भारत को आमदनी भी होगी और भारत का नाम भी होगा। और ये जो लोग दुष्प्रचार करते हैं इनके मुंह पे तमाचा भी लगेगा। धन्यवाद।